हेलो बच्चों कैसे हो आप सब सो क्लास एट्थ के बच्चों स्वागत है आप सभी का आज की साइंस की क्लास में तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों एन एस ओ स्पेशल ठीक है आज एन एस ओ स्पेशल का पहला लेक्चर है तो एक बार आपका टाइम टेबल आपको मैं बता देती हूँ तो देखो तीन बजे आपकी वैदिक मैथ्स की क्लास होती है जो कि मंडे से सैटरडे डेली होती है चार बजे आपकी मैथ्स की क्लास होती है जो कि मंडे से सैटरडे डेली होती है और पाँच बजे आपकी एक दिन इंग्लिश की क्लास होती है एक दिन साइंस की क्लास होती है तो भाई मंडे वे फ्राइडे आपकी साइंस की क्लास होती है और ट्यूज़डे थर्सडे सैटरडे आपकी इंग्लिश की क्लास होती है पाँच बजे ठीक है तो पाँच चुके हैं और साइंस की मैम आपके सामने हाजिर है सबसे पहले तो मेरे को एक अनाउंसमेंट करना है जो कि क्लास टेंथ के बच्चों के लिए है अगर आपके कोई बड़े ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं जो कि क्लास टेंथ में है और सी बी एस ई बोर्ड के बच्चे हैं तो इनको इसके बारे में ज़रूर बताना कि उनके लिए नया कोर्स लॉन्च कर दिया है अब ये कोर्स जो है ये ग्रेड क्यों है क्योंकि सी बी एस ई बोर्ड एग्जाम फोकस क्लासेस होती हैं नोट्स जो हैं वो टीचर्स ने प्रिपेयर किए हैं देन इसमें एनसीआर टी का डिस्कशन होता है उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो भी डिस्कस किए जाते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होमवर्क में दी जाती हैं देन रिविजन मोटिवेशन एग्ज़ाम न्यूज़ गाइडेंस के सेशंस होते हैं वीकली एंड मंथली टेस्ट होते हैं अगर आपको इसके कोर्स के बारे में और इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये जो नंबर है दैट इज एट फाइव नाइन डबल फाइव सिक्स थ्री नाइन सिक्स जीरो इस पर कॉल करना है तो भाई ये नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो और अपने बड़े ब्रदर एंड सिस्टर्स जो कि क्लास टेंथ सी बोर्ड के बच्चे हैं उनको जरूर बताना ठीक है चलो तो सबसे पहले तो बच्चों क्योंकि एन की क्लास है तो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल साइंस ओलंपियाड जैसे हम एन बोलते हैं ये बेसिकली है क्या तो देखो ये एक साइंस का कंपटीशन एग्जाम है जो कि फ़र्स्ट क्लास से लेके ट्वेल्थ क्लास के बच्चों के लिए होता है अब इसे कंडक्ट कौन करता है तो साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको कंडक्ट करती हैं एम क्या है इनका एम ये है कि फर्स्ट क्लास से ट्वेल्थ क्लास के बच्चों में इस तरीके से उनके सामने क्वेश्चन करे जाएँ उनके स्टडी मटीरियल से रिलेटेड कि फ्यूचर में हमें न्यू न्यू साइंटिस्ट मिले, देन उन्हें नए आईटी टूल्स मिले मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स वो समझ पाए नई नई टेक्नोलॉजीज़ को वो समझ समझ ठीक है अब इसकी अलग अलग लेवल्स होती है तो सबसे पहले तो बेसिक लेवल होती है फर्स्ट लेवल उसे जब क्लियर कर जाते हैं तो हायर लेवल्स पे जाते हैं तो अब एक बार मैं आपको डेट्स के बारे में बता देती हूँ तो जो नेशनल साइंस ओलम्पियाड है ना बच्चों वो तीन डेट्स पे हो रहा है मतलब तीन स्लॉट्स में बट रहा है नाइन्टीन ट्वेंटी दिसंबर नाइन्थ टेंथ जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन थर्टी एंड थर्टी फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन ठीक है इसके बारे में मैं अभी आऊँगी फिर से एक बार मैं आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ ओके देन यहाँ पर कुछ टेबल हैं अभी इसके बारे में मैं डिटेल में आऊँगी एक बार आप पहले ये समझ लो बच्चों कि जो क्लास फिफ्थ से टेंथ है जिसमें आप लाए करते हो आप क्लास एट्थ में हो तो आप इस कैटेगरी में लाई करते हो इसमें देखो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस दस होते हैं साइंस के थर्टी फाइव क्वेश्चन होते हैं एक अचीवर सेक्शन होता है इसमें पांच क्वेश्चन होते हैं तो साइंस में आप सोचो थर्टी फाइव क्वेश्चन आते हैं इसमें ओके क्लास वन से ट्वेल्थ के लिए होता है और राइट तो इसके बारे में अभी मैं और डिटेल में आऊँगी और ढंग से बता दूँगी उससे पहले बच्चों एक काम करते हैं क्विज खेलते हैं ठीक है तो क्विज खेल लेते हैं एक फिर उसके बाद अपन और डिटेल में आएंगे तो क्विज़ की शुरुआत करने जा रही हूँ और पहला क्वेश्चन क्विज़ का ये रहा आपके सामने फुल फॉर्म ऑफ एन एस ओ इज़ एन एस ओ का फुल फॉर्म क्या है नेशनल साइंस ओलंपियाड नेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन बोथ ए एन बी या हमें नहीं पता नेक्स्ट क्वेश्चन क्लासेस विच कैन पार्टिसिपेट इन एनएसओ कौन सी क्लासेज है जो एनओसो में पार्टिसिपेट कर सकती है तो आपको ये बताना है वन टू ट्वेल्व वन टू फाइव सिक्स टू ट्वेल्व या नन ऑफ दीस चलो डिस्कस करते हैं तो पहला क्वेश्चन आपसे मैंने पूछा फुल फॉर्म ऑफ एन एस ओ तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे एन एस ओ बेसिकली है क्या नेशनल साइंस ओलंपियाड तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे होगा ऑप्शन ए दैट इज नेशनल साइंस ओलंपियाड उसके बाद मैंने अभी आपको बताया कि जो क्लासेज हैं वन से ट्वेल्व वो एनएसओ में पार्टिसिपेट कर सकती हैं तो आंसर हो गया ऑप्शन ए वन टू ट्वेल्थ ठीक है तो ये तो बहुत बड़े आसान से क्वेश्चंस थे अब थोड़ा इनके बारे में डिटेल में आ जाते हैं तो अभी मैंने आपको बताया कि क्लास वन से ट्वेल्थ के लिए ये एग्ज़ाम होता है अलग अलग इसमें लेवल्स होती हैं ओके एम मैंने बताया क्या एम है बेसिकली और मैंने आपको इसमें डेट्स बताई कि नाइनटीन ट्वेंटी दिसंबर ट्वेंटी नाइन्थ टेंथ जनवरी ट्वेंट ट्वेंटी ट्वेंटी वन और थर्टी एथ एंड थर्टी फर्स्ट जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन ठीक है अब एक बार अप्रॉक्सीमेट डेट्स बता देती हूँ कि कैसे कैसे पेपर्स होंगे कैसे कैसे रिजल्ट्स आएंगे कैसे कैसे आंसर की आएगी तो ये तीन डेट्स तो मैंने आपको अभी बता दी बच्चों कि देखो सेट ए सेट बी सेट सी इन इन डेट्स पे तीन स्लॉट्स में एग्जाम को बांटा गया है फिर जो आंसर की होती है ना वो आती है फेब में तो फेब 2021 में आपकी इसकी आंसर की आ जाएगी देन कट ऑफ जो होती है कि भाई इतने नंबर अगर आपके हैं तो आप अगली लेवल पे जाओगे इससे अगर कम नंबर है तो आप अगली लेवल पे नहीं जाओगे वो भी फेब तक पता चल जाता है ठीक है फिर रिजल्ट जो हैं रिजल्ट जो हैं वो भी फेब में आ जाते हैं अब जिनके रिजल्ट्स आ गए जो लेवल वन क्रॉस कर गए तो अब वो लेवल टू के लिए फाइट करेंगे है ना तो जो लेवल टू है उसके लिए एडमिट कार्ड्स आते हैं मार्च में फिर अप्रैल में जो है लेवल टू होता है और रिजल्ट्स भी अप्रैल तक आ जाते हैं तो ये अप्रॉक्सीमेट डेटा रहता है कि कैसे कैसे आ जाते हैं एग्जाम्स कैसे कैसे डेट्स होती हैं एंड सो ऑन और मैंने आपको बता दिया कि भाई जो थर्टी फाइव क्वेश्चन हैं साइंस में आते हैं वन मार्क का एक क्वेश्चन होता है टोटल मार्क्स साइंस के क्या हो गए थर्टी फाइव हो गए और टोटल जो एग्जाम होता है वो सिक्सटी मार्क्स का होता है ओके जिसमें से देखो सिक्सटी में से थर्टी फाइव जो वेटेज है ना वो साइंस का है सोचो भाई साइंस ओलंपियाड है तो साइंस को वेटेज मिलेगा इन है कि नहीं तो ये क्विज अपना हो गया था ओके चलो अब हम क्या करेंगे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं तो उनमें से क्वेश्चंस कैसे एनएसओ के लिए बन सकते हैं उनके बारे में हम हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं ओके तो पहला क्वेश्चन है इनमें से किस विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर अगर फायर प्रोड्यूस करनी है तो इनमें से क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए याद करो मैं आपको जब कम्बशन वाला चैप्टर पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि फायर जो है वो कैसे लग जाती है भाई हमारे पास अगर कोई कम्बस्टेबल सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आया है ना कम्बशन हुआ कम्बशन से हीट जनरेट हुई और इतनी हीट जनरेट हो गई कि वो फायर फॉर्म कर गई है ना इतनी हीट जनरेट कर गई कि वो फायर फॉर्म हो गई उससे तो देखो फायर अगर प्रोड्यूस करनी है तो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है एक तो हमारे पास कंबस्टेबल होना चाहिए और बच्चों कंबस्टेबल सब्सटेंस को याद करो मैंने क्या नाम दिया था कंबस्टेबल सब्सटेंस को हमने क्या नाम दिया था फ्यूल ठीक है इसके अलावा कंबस्टेबल सब्सटेंस जब ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आता है तो कंबशन होता है और हीट रिलीज होती है है ना हीट रिलीज होती है ऑल राइट right. तो देखो फ्यूल भी चाहिए ऑक्सीजन भी चाहिए और हीट भी चाहिए और ये तीनों चीजें हमें सी ऑप्शन में दी हुई है फ्यूल ऑक्सीजन एंड हीट है ना तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल राइट right. तो देखो ये तो मैंने आपको पूरा बताया कि कैसे है सॉल्यूशन बताया आंसर बताया अब अगला क्वेश्चन अपन कैसे करेंगे क्वेश्चन मैं रीड करूंगी और मैं आपको कुछ सेकंड्स का टाइम दूंगी आप सोचो और इमेजिन करो कि कौन सा आंसर होगा खुद ही आप बताओ कि मैम खुद ही आप मन में सोचो कि इसका ये होना चाहिए फिर मैं आपको बताऊंगी कि हाँ आप सही हो या आप गलत हो ठीक है और आई होप सभी बच्चे सही होंगे चलो तो ये समझ में आया आपको कि हमने कंबशन को कैसे यहाँ पर अप्लाई किया क्लियर हुआ चलो अगला क्वेश्चन है देखो मैं समझा देती हूँ क्वेश्चन क्या है आपने कभी बॉलिंग करी ऐसे बॉल फेंकते हैं सामने ऐसे वो होती हैं कैसे वो कहते हैं ना ऐसी ऐसी स्टिक्स होती हैं है ना याद है और ये ट्रैक होता है और हम लोग यहां से बॉल फेंकते हैं और ये गिर जाती है बॉलिंग में याद है ना ऐसे होता है तो क्वेश्चन में दिया है कि जब कोई बॉलर ऐसे बॉल फेंकता है तो उस फोर्स से जो वो फेंकता है उससे क्या होता है बॉलर ने बोलिंग के टाइम बॉल फेंकी अब जब बॉल फेंकी तो उससे क्या हुआ भाई पहली चीज तो क्या हो सकती है कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वही रुक जाए ओके दूसरी चीज़ जो ऑब्जेक्ट जा रहा है उसका डायरेक्शन ही चेंज हो जाए तीसरी चीज जो स्पीड है ऑब्जेक्ट की वो तेज़ हो जाए और चौथी चीज कि जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन चेंज हो जाए ठीक है तो मुझे बताओ कि फोर्स जो है वो क्या करेगा फोर्स से क्या होगा लो कुछ सेकंड्स का टाइम लो और बताओ क्या होगा देखो चलो डिस्कस करते हैं। हमने क्या किया हमने बॉलिंग कर रहे थे और हमने फेंका तो, 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 थी? थी। तो उस फोर्स से क्या हुआ उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई है ना आपने देखा है आप फेंकते कितनी धीरे और उस जो सरफेस है उस पर बॉल ऐसे स्लाइड मारती है और कितनी इसकी स्पीड तेज हो जाती है और जैसे ही स्पीड तेज हो जाती है वो इस बॉल को हिट करती है और ये गिर जाती है है ना लेकिन हमेशा ये नहीं होता हमेशा जो चीज़ होती है जो देखो जो सीख जिनको बॉलिंग आती नहीं है उनके साथ क्या होता है फेंकते तो हैं बॉल की उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है लेकिन वो साइड से निकल जाती है, है ना और ये जो है ये खड़ी की खड़ी रह जाती है होते ही ये बॉटल्स खड़ी की खड़ी रह जाती है ऐसा भी होता है ना क्योंकि इतनी अच्छी बॉलिंग आती नहीं है भाई तो ठीक है ये भी होता है लेकिन आप ये देखो कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसी कौन सी चीज है जो होती ही होती है स्पीड इंक्रीज होती है है ना आपने बॉल फेंकी बॉलिंग के टाइम जैसे ही फोर्स से फेंकी उसकी स्पीड बढ़ गई और स्पीड बढ़ेगी तो अगर तो वो सेम उसमें जारी है तो तो जो आगे सामने की तरफ बॉटल्स से वो गिर जाएंगी नहीं तो बॉल आपकी साइड से निकल जाएगी है ना तो मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हो रही है उसमें चेंज आ रहा है ऑल राइट right, तो करेक्ट होना चाहिए यहाँ पे आंसर सी समझ में आया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ओके okay. अगला क्वेश्चन है कि जो हॉर्स होता है उसको शुरू के स्टेप्स में तेज खींचना पड़ता है कार्ट को ठीक है हॉर्स के साथ काट लगा हुआ होता है तो हॉर्स को काट को शुरू शुरू में थोड़ा दम लगा के खींचना पड़ता है ओके okay? क्यों होता है ऐसा तो यहाँ पे ऑप्शन है कि भाई जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग से ज्यादा होता है फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग से ज्यादा होता है कि इसमें फिर है कि इसमें कोई फ्रिक्शन ही फोर्स ही नहीं लग रहा देन एयर फ्रिक्शन शुरू शुरू में लग रहा है तो सिचुएशन क्या है कि ये एक हॉर्स है ठीक है ये सपोज एक हॉर्स है बहुत गंदा बनाया मैम ने मुझे पता है बहुत गंदा बनाया है ना लेकिन सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ ये एक हॉर्स है सपोज़ और पीछे इनके क्या लगा हुआ है कार्ट लगा हुआ है अब ये अभी खड़े हुए हैं पर इन्होंने जैसे ही ये मूव करे इनको इस कार्ट को मूव करवाना है है ना तो इनको शुरू शुरू में बड़ा जोर से खींचना पड़ेगा फिर उसके बाद इतना दम उनको नहीं लगाना पड़ेगा क्यों सोचो दिमाग लगाओ कि अभी ये स्टैटिक पोजिशन में है कार्ट अभी ये एकदम खड़ा हुआ है और मैं आपको ये बता चुकी हूं फ्रिक्शन वाले चैप्टर में कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ना वो स्लाइडिंग से ज्यादा होता है बताया ये चीज है ना सोचो सोचो। देखो शुरू शुरू में ये जो है हॉर्स और कार्ट ये रेस्ट पे। है. अब उसने जोर से पुल किया क्योंकि उसे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था इसलिए उसे जोर से पुल करना पड़ा और फिर जब एक बार पुल कर लिया तो वो धीरे 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 स्लाइड होता ही जाएगा होता ही जाएगा काट है ना वो चलता जाएगा ऑल राइट right. तो भाई यहां पे आंसर क्या होना चाहिए कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है दैट इज ऑप्शन ए क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा है इसीलिए जोर से पुल करना पड़ेगा हॉर्स को कार्ट को समझ में आया अगला क्वेश्चन देखते ओके okay. इस क्वेश्चन में क्या है देखो कि एक साइंटिस्ट है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया ये आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा ओके okay. तो इसमें क्या किया है कि एक ग्लास जार लिया है उसमें एक इलेक्ट्रिक बेल है ग्लास जार है उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक बेल है और नीचे वैक्यूम पंप लगाया हुआ है अगर आपको याद हो साउंड वाले चैप्टर में ये एक्टिविटी हम सेम की सेम पढ़ चुके हैं सेम एक्टिविटी बिल्कुल है ना चलो तो उस चीज को याद करके इसको आंसर देंगे अब इन्होंने देखा है कि अगर एयर जो है वो जार से निकाल ली है देखो वैक्यूम पंप की हेल्प से एयर को निकाल लिया है तो अब इन्होंने अगर बेल को रिंग किया तो ये क्या ऑब्जर्व करेंगे सबसे पहले दिया है कि साउंड तेज हो जाएगा फिर साउंड पहले कम हो जाएगा फेंट हो जाएगा ओके okay? एंड फिर तेज हो जाएगा पहले कम होगा फिर तेज हो जाएगा फिर दिया हुआ है कि साउंड अब सुनाई ही नहीं देगा और फिर दिया है कि साउंड सेम होगा जैसे पहले था तो मुझे बताओ क्या होगा ये तो मैं बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन आपको करा चुकी हूँ याद करो हम जब साउंड का चैप्टर पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था कि जो साउंड है वो उसको कोई मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए बताई थी ये चीज़ और मैंने आपको ये भी बताया था कि साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता ठीक है जब यहाँ पे ग्लास जार लगाया उसके अंदर बेल है तो शुरू शुरू में जब बेल को रिंग किया था तो आवाज सुनाई दे रही थी लेकिन जैसे ही वैक्यूम पंप लगा दिया एयर निकाल दी अब एयर निकाल दी मतलब अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया और वैक्यूम में तो साउंड ट्रेवल ही नहीं करेगा तो अगर अब वो रिंग बजाएंगे भी तो रिंग सुनाई ही नहीं देगी है कि नहीं साउंड नहीं सुनाई देगा आप ऑल राइट तो यहां पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा दैट इज साउंड कैन नॉट बी हर्ड या साउंड कुड नॉट बी हर्ड एनी मोर और रीजन क्या है क्योंकि साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता भाई साउंड उसको कोई मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए एयर में करता है देखो कर रहा है ना मैं आपसे बात कर रही हूं तो है ना चलो ये समझ में आया अगला क्वेश्चन देखें ओके द वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी इनमें से कौन से ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी जो है वो मिनिमम है और ये सब के सब बच्चे अपने आप सॉल्व करेंगे फिर मैं डिस्कस करूंगी करो बेबी गर्ल बेबी बॉय अ मैन अ वुमेन बताओ मिनिमम फ्रीक्वेंसी सबसे फ्रीक्वेंसी कम किसकी होगी ओके okay, तो डिस्कस करते हैं तो याद करो बच्चों जब मैं आपको साउंड का चैप्टर पढ़ा रही थी मैंने आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ाया था है ना फिर मैंने आपको पिच के बारे में भी पढ़ाया था ऑल right, तो मैं आपको बता रही थी जो फीमेल्स होती हैं उनके केस में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है पिच हायर होता है वायल जो मेल होते हैं उनके केस में फ्रीक्वेंसी कम होती है पिच भी कम होता है है ना बताया था ना हायर द पिच हायर द फ्रीक्वेंसी लोअर द पिच लोअर द फ्रीक्वेंसी बता चुकी थी तो हमसे पूछे कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी किस में होगी अब बच्चों में तो चाहे वो बेबी गर्ल हो चाहे वो बेबी बॉय हो उनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा होती ही होती है है ना गॉड गिफ्टेड है ये नेचर ने ही ऐसा बनाया है ओके okay? मैं एक वुमेन हूं अगर मैं बोल रही हूँ मेरी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है मेरा पिच ज्यादा है है ना वायल अगर कोई यहाँ पे मेल होता वो बोल रहे होते तो उनकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली कम होती पिच भी कम होता है ना गॉड गिफ्टेड है बाई नेचर है तो हमसे यहाँ पे पूछा है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी अ मैन दैट इज ऑप्शन सी ठीक है मैन के केस में फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी ऑल राइट right? अच्छा और अगर मैं आपको सपोज दो ऑप्शन देती कि एक मैन है एक वुमेन है इनमें से किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो आप क्या बोलोगे वुमेन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी है ना चलो समझ आया राइट right. अब ये क्वेश्चन आप खुद करोगे एक बार फिर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है वो वाइब्रेट कर रहा है पंद्रह की फ्रीक्वेंसी पे फिफ्टीन हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी पे ऑब्जेक्ट है वाइब्रेट कर रहा है इसमें से क्या ट्रू होगा तो सबसे पहला है कि वो साउंड प्रोड्यूस करेगा जो कि हम सुन सकते हैं दूसरा है कि वो साउंड प्रोड्यूस ही नहीं करेगा तीसरा है कि वो साउंड प्रोड्यूस तो करेगा लेकिन हम नहीं सुन पाएंगे और चौथा है कि साउंड प्रोड्यूस करेगा जो कि हम सुन सकते हैं और हमारी आँख हमारे जो कान है उसमें बड़ा जोर पड़ जाएगा स्ट्रेन हो जाएगा ईयर्स में ये चार ऑप्शंस दिए मैं चलो सोचो और इसको सॉल्व करो सोच लिया क्लियर है चलो तो मुझे एक बात बताओ आई होप आप लोगों ने यहाँ पे सी ऑप्शन चूज किया है मेरे हिसाब से सी ऑप्शन चूज किया है आपने और जिसने सी ऑप्शन चूज किया है वो सही है क्यों सही है देखो यहां पे फ्रीक्वेंसी दी है बच्चों फिफ्टीन हर्ट्स, ठीक है और मैं आपको जब ह्यूमन रेंज के बारे में पढ़ा रही थी कि जो हम रेंज सुन सकते हैं ऑडिबल रेंज वो कितनी थी ट्वेंटी हर्ट्स से लेके ट्वेंटी किलो हर्ट्स याद है या फिर मैंने आपको बताया था ट्वेंटी हर्ट्स से लेके ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स ये मैंने आपको बताया था कि ये ऑडिबल रेंज है ह्यूमन बींग्स के केस में अगर ट्वेंटी से नीचे कोई फ्रीक्वेंसी है तो हम उसे नहीं सुन सकते अगर ट्वेंटी से ऊपर कोई फ्रीक्वेंसी है तो उसे भी हम नहीं सुन सकते है ना बताया था ये आपको तो अगर 20 से नीचे कोई है हम नहीं सुन पाएंगे 20 से ऊपर कोई है हम नहीं सुन पाएंगे याद है इंफ्रा और मैंने आपको बताया था ये इंफ्रा रेड जोन है यहाँ पे हम नहीं सुन पाएंगे इंफ्रासाउंड या अल्ट्रासाउंड मैंने आपको बताई थी ये चीजें है ना इंफ्रासाउंड एंड अल्ट्रासाउंड की अगर 20 से कम है तो हम नहीं सुन पाएंगे 20,000 थाउजेंड हर्ट्स से ज्यादा है तो भी हम नहीं सुन पाएंगे अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो वाइब्रेट कर रहा है 15 हर्ट्स पे और 15 हर्ट्स तो हम सुन ही नहीं पाएंगे तो मतलब साउंड तो प्रोड्यूस करेगा वो ऑब्जेक्ट लेकिन हम नहीं सुन पाएंगे है ना हम नहीं सुन पाएंगे ऑल क्लियर है ये चीज और मैंने आपको फिर एग्जांपल भी दिया था जैसे बैट्स का डॉग्स का एलिफेंट्स का जो कि इस रेंज से हटके 20 से 20,000 थाउजेंड हर्ट से हटके इस साउंड को सुन सकते हैं राइट right? मैंने आपको बताई थी ये चीज चलो तो 15 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी है मतलब वो 20 से कम है तो वो साउंड तो प्रोड्यूस करेगा लेकिन हम नहीं सुन पाएंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी दैट इज इट प्रोड्यूसेज साउंड च वी कैन नॉट हेयर हम नहीं सुन पाएंगे भाई ठीक है क्लियर है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ओके अब बॉल प्लेसड ऑन अ टेबल स्टार्ट रोलिंग वेन द टेबल इज टिल देखो क्या सीन है मैं बताती हूं ये एक टेबल है ठीक है पहले ये टेबल एकदम स्ट्रेट थी इस तरीके से जैसे ये टेबल है ठीक है पहले ये एक टेबल बिल्कुल स्ट्रेट थी एक बॉल थी इसके ऊपर इस तरीके से अब इस टेबल को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया देखो जैसे इसको टेढ़ा कर दिया अब ये बॉल पहले तो यहां पर है फिर ये बॉल नीचे आना स्टार्ट करेगी है कि नहीं याद करो भाई ध्यान से सोचो अगर सपोज ये टेबल है ये पेन है अगर मैं इसको टिल्ट कर दूंगी तो ये पेन देखो रोल कर गया ना वैसे ही तो ये सेम है बॉल पहले आराम से थी जैसे ही टिल्ट कर गया रोल कर गई क्यों क्यों रोल कर गई सोचो जनरल क्वेश्चन है ये हम हवा में क्यों नहीं उड़ते हम नीचे धरती पे क्यों हैं? या अगर कोई ऑब्जेक्ट फेंका जैसे सपोज ये पेन है मेरे पास अगर इसको फेंका मैंने देखो तो ये नीचे गिरा है कि नहीं देखो फेंक रही हूँ इसको नीचे गिरा है ना क्यों गिरा भाई ऐसा क्या अर्थ लगा रहा है ग्रेविटेशनल पुल है ना ग्रेविटेशनल पुल एक फोर्स होता है जो कि अर्थ लगाता है जिससे कि ऑब्जेक्ट्स जो है वो नीचे खिंचते हैं तभी तो आपने देखा होगा जो जैसे जो यूनिवर्स में जो हमारी सेटेलाइट्स होती हैं या जो हमारे एयर स्पेस में जो साइंटिस्ट जाते हैं रिसर्च के लिए वो उड़ते हैं क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशन नहीं लगता है ना तो यहाँ पे क्या सीन है कि एक टेबल है उस पर बॉल रखी है टेबल को टिल्ट कर दिया तो बॉल भी नीचे गिरेगी क्यों गिरेगी भाई क्योंकि अर्थ ग्रेविटेशन लगा रहा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है बच्चों आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और देखो एन की क्लास है तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो मैं दूंगी ही ना आपको ओके तो अपन जो पढ़ रहे हैं उससे तो बिल्कुल आएगा ही आएगा लेकिन कुछ आप एक्स्ट्रा भी सीखोगे ओके चलो तो ये समझ आया नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूड डज नॉट डिपेंड ऑन तो एक फ्लूइड है उसमें फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है मतलब फ्लूड फ्रिक्शन की बात हो रही है बच्चों यहाँ पे फ्लूड फ्रिक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं तो फ्लूड फ्रिक्शन जब लगता है तो वो किस पे डिपेंड नहीं करता ठीक है फ्लूड फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो वो किस पे डिपेंड नहीं करता जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये फ्लूड है अच्छा फ्लूड आपको याद होगा मैंने बताया था फ्लूड क्या होता है साइंस में फ्लूड किसको बोलते हैं बच्चों लिक्विड और गैसेस दोनों को है ना तो ये एक वाटर का सरफेस है यहां पर एक स्विमर है ओके ये एक स्विमर है तो ये स्विम कर रहा है तो जब ये स्विम करेगा ये फ्लूड फ्रिक्शन एक्सपीरियंस करेगा है ना ये आगे बढ़ रहा है फ्लुइड फ्रिक्शन इसके पीछे लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना रुकावट बनने के लिए तो आगे फ्रिक्शन लग रहा है, है, लग रहा है ये किसी चीज पर डिपेंड कर रहा है क्या क्या ये किसी चीज पर डिपेंड कर रहा है नहीं वो तो लगेगा ही लगेगा वो तो रुकावट बनेगा ही बनेगा वो थोड़ी किसी चीज पर डिपेंड कर रहा है, है कि नहीं तो ना वो स्पीड पे डिपेंड कर रहा है ना वो ऑब्जेक्ट की शेप पे डिपेंड कर रहा है किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा वो ये तो स्विमर है ठीक है आज आप स्विमिंग करोगे मैं स्विमिंग करने जाऊंगी या कोई भी स्विमिंग करने जाएगा तो फ्रिक्शन तो लगेगा ही ना वो ये थोड़ी डिपेंड करता है कि कौन लंबा है कौन छोटा है कौन पतला है कौन मोटा है ये थोड़ी डिपेंड करता है उस पर फ्रिक्शन फ्लूड फ्रिक्शन तो लगेगा ही लगेगा है कि नहीं ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों नन ऑफ दीज किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा वो वो लगेगा ही लगेगा ऑल राइट right, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड स्मिथ जो है गोल्ड स्मिथ क्या करते हैं गोल्ड की करते हैं जैसे कोई गोल्ड का टुकड़ा है ना उसकी ज्वेलरी बनाते हैं गोल्ड स्मिथ्स का वो काम होता है ओके okay, या फिर कभी कभी क्या होता है जो अपने आयरन के ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना इनकी भी जो है जैसे कुछ ठोकना है कुछ ठुकाई करनी है कहीं कील वील ठोकनी है तो वो सब काम करते हैं ओके okay. तो उन्होंने क्या किया यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर की बात हो रही है तो गोल्ड स्मिथ ने क्या किया कि एक स्क्रू लिया और इस स्क्रू में इन्होंने जैसे एक यहां पे एक स्क्रू जैसे एक पाइप सा लिया है क्योंकि उनको सिल्वर या गोल्ड को मेल्ट करना था ठीक है अब वो क्या कर रहे हैं कि जो फ्लेम है उसकी सबसे बाहर वाली जोन से उसको टकरा रहे हैं ठीक है थीके? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वो स्क्रू है अब मेरे पास सपोज कोई गोल्ड का पीस है जिसको मुझे कट करना है और मैं गोल्ड स्मिथ तो मैंने क्या किया मैंने फ्लेम ली और मैं सबसे बाहर वाली जो उसकी जोन है, उससे उसको गर्म कर रही हूँ गोल्ड को कट कर सकती हूँ तो मैंने सबसे बाहर वाली जोन को ही क्यों चूज किया ये मुझसे क्वेश्चन पूछा है तो ऑप्शन क्या दिए हैं? कि जो सबसे बाहर वाली जोन है उसमें सबसे कम टेम्परेचर होता है फिर सबसे बाहर वाली जोन ब्लू कलर की होती है फिर सबसे बाहर वाली जोन का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है और सबसे आउटर जोन येलो कलर की होती है ये चार ऑप्शन दिए है, है ना तो आप बताओ क्या सही होगा फटाफट -फड़ से बताओ मैं जब तक यहां पे फ्लेम ड्रॉ करती हूं हो गया तो देखो तीन ज़ोन्स होती हैं आउटर मिडिल और इनर जोन आउटर जोन ब्लू कलर की होती है मिडिल जोन येलोइश कलर की होती है और इनर जोन में ब्लैक कलर का कुछ डिपॉजिट होता है है ना बताया था ये और भाई एक बात बताओ यहाँ पे क्या दिया है कि जो स्क्रू है उसको आउटर जोन से एक्सपोज किया क्यों क्योंकि उससे उसको अच्छे से गर्म करना था अच्छे से गर्म करेंगे तभी तो वो गोल्ड और सिल्वर पे काम कर सकते हैं और अच्छे से गर्म कर रहे हैं, मतलब उन्हें ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत है।, है ना आउटर मोस्ट जोन को उन्होंने क्यों चूज किया क्योंकि उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है ब्लू कलर की होती है ये रीजन नहीं हो गया करेक्ट वो भी है हाँ ब्लू कलर की होती है लेकिन वो इस क्वेश्चन के साथ मैच नहीं कर रहा समझना इस चीज को इस क्वेश्चन के साथ मैच नहीं कर रहा वो चीज़ है ना कि सबसे जो स्क्रू है ये सबसे बाहर की तरफ जो है आउटर जोन ऑफ फ्लेम पे ही क्यों किया क्यों इस तरीके से हिट किया क्योंकि उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है ठीक है तो टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है आउटर आउटर जोन जोन मोस्ट हैज मैक्सिमम ये इसमें इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए बाकी ब्लू कलर है ये आंसर यहाँ फिट नहीं बैठेगा ओके मिनिमम टेम्परेचर हो नहीं सकता येलो कलर तो वैसे भी मिडिल जोन होती है ऑल राइट right, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट और एच को लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है, है ना इसकी रिएक्शन जैसे होती है वो हम बड़ी क्लास में पढ़ेंगे लेकिन इससे हो क्या रहा है जब ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से गैस निकल रही है जो कि कैंडल फ्लेम को एक्सटिंग्विश कर रही है ठीक है जो कि कैंडल बुझा दे रही है तो ऐसी कौन सी गैस निकल रही है या ऐसा क्या फॉर्म हो रहा है हमसे है तो देखो बच्चों याद करो जब मैं आपको कंबशन पढ़ा रही थी मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन जो है वो कंबशन को सपोर्ट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड कंबशन को सपोर्ट नहीं करती ऑक्सीजन से कैंडल जलती है कार्बन डाइऑक्साइड से कैंडल बुझ जाती है बता चुकी हूं ये चीज मैं आपको तो इसकी डिटेल में मत जाओ कि मैम ने ये तो रिएक्शन ही नहीं पड़ी हमने ऐसा कुछ देखा ही नहीं आप ये सोचो कि भाई कैंडल फ्लेम बुझ गई कैंडल फ्लेम क्यों बुझी होगी क्योंकि वहाँ पक्का कार्बन डाइऑक्साइड निकली होगी है ना और कार्बन डाइऑक्साइड देखो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है इवोल्यूशन ऑफ सीओ गैस ऑप्शन बी तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी क्यों क्योंकि कैंडल फ्लेम बुझ गई भाई बस समझ में आया क्लियर है चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम किचन में गए और उनकी मम्मी ने जो खाना बनाया था वो उसको पैक करने लगे। उन्होंने एल्यूमिनियम फॉइल को देखा क्या देखा उन्होंने एल्यूमिनियम फॉइल को देखा और उसमें खाना पैक कर दिया तो यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल मतलब एल्यूमिनियम की क्या प्रॉपर्टी यूज हुई ये आपसे पूछा है सोचो एलुमिनियम के टुकड़े से एलुमिनियम की फॉइल बना दी मतलब पतली सी शीट बना दी इससे ज्यादा हिंट मैं नहीं दूंगी चलो बताओ क्या होगा इसमें आंसर क्या प्रॉपर्टी यूज हुई एल्यूमिनियम की डक्टिलिटी, मेलियबिलिटी सोनोरिटी ऑल ऑफ दीज बताओ देखो मैंने जब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग किसी मेटल की पतली शीट्स बना सकते हैं तो उसे हम बोलते हैं मेलियबिलिटी याद है फिर मैंने आपको बताया था अगर पतली वायर्स बना सकते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं डक्टिलिटी अगर मेटल शोर देता है साउंड प्रोड्यूस करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं सोनोरिटी यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉयल का टुकड़ा था एल्यूमिनियम फॉल क्या है शीट के फॉर्म में होता है एलुमिनियम के टुकड़े से एल्यूमिनियम की फॉइल बना दी मतलब शीट्स बना दी तो तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे है कि नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दैट इज मेलिएबिलिटी तो एल्यूमिनियम की शीट बना दी इसलिए ये मेलिएबल है और मेटल्स तो मेलिएबल होते ही हैं है ना गोल्ड मैंने आपको बताया था जो मेटल गोल्ड होता है वो सबसे ज्यादा मेलिएबल होता है याद है सबसे पतली शीट्स सबसे बढ़िया तरीके से गोल्ड की बनती है ओके okay? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं मेटल्स जो होते हैं वो यूजुअली सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट बताओ क्या होगा इसका देखो अपन ये डिस्कस कर चुके हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं लेकिन दो मेटल ऐसे हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं ओके है यहां पे ये हार्ड करो बच्चों और अच्छे से आपको समझ आएगा मेटल्स जो होते हैं यूजुअली हार्ड होते हैं एक्सेप्ट ओके मेटल्स यूजुअली हार्ड होते हैं एक्सेप्ट अब करो देखो फटाफट -फड़ से सॉल्व कर जाओगे तो मेटल्स हार्ड होते हैं लेकिन दो मेटल्स ऐसे हैं जो सॉफ्ट होते हैं तो वो कौन से दो मेटल्स हैं सोडियम एंड पोटेशियम राइट तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी सोडियम एंड पोटेशियम ओके चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं नॉन मेटल जो कि शाइन करता है तो देखो शाइन करने की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लस्चरस राइट अगर कोई मेटल शाइन कर रहा है तो वो क्या है लश्चरस है मैंने आपको बताया था जो मेटल्स होते हैं वो लश्स होते हैं लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं वो लश्स नहीं होते लेकिन वहां एक एक्सेप्शन है तो वो एक्सेप्शन मैंने आपसे पूछा है कि नॉन मेटल जो कि शाइन करता है वो कौन सा हो गया तो बताओ क्या होगा इसका आयोडीन है ना बताया है ये कि आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि शाइन करता है वैसे नॉन मेटल शाइन नहीं करते लेकिन आयोडीन शाइन करता है ओके okay? चलो तो फिर क्विज के लिए रेडी हो क्विज स्टार्ट करें एक और चलो बच्चों, क्विज खेलते हैं द मोस्ट मेलिएबल ऑफ ऑल मेटल सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल इनमें से कौन सा है कॉपर सिल्वर गोल्ड या हमें नहीं पता नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन साइंस फ्लूड आर नोन एस फ्लूड्स को हम साइंस में क्या बोलते हैं सॉलिड्स लिक्विड गैसेज या बोथ बी सी चलो डिस्कस करते हैं तो पहले आपसे पूछा था मोस्ट मेलिएबल ऑफ ऑल मेटल तो मेटल्स में सबसे ज्यादा मेलिएबल कौन होता है गोल्ड होता है तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी दैट इज गोल्ड उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा कि साइंस में फ्लूइड्स को क्या बोलते हैं तो भाई फ्लूइड्स को हम लिक्विड्स और गैसेज दोनों बोलते हैं तो बोथ बी एंड सी आपका आंसर हो जाएगा ठीक है तो बच्चों आई होप आपको आज की क्लास में मजा आया है अब जाते जाने से पहले ना अपन एक पोल रन करने जा रहे हैं तो आप सभी के सामने एक पोल आने वाला है दो पोल आएंगे इनफैक्ट तो पहला पोल रन करते हैं बच्चों तो पहला पोल है कि बच्चों क्या आपको आज की क्लास एनएसओ के प्रिपरेशन के लिए अच्छी लगी ओके okay. अगला पोल है बच्चों कि आप अपनी जो रेगुलर क्लासेस चल रही हैं उसमें आप कौन सा अगला चैप्टर पढ़ना चाहते हो आपके सामने कुछ ऑप्शन हैं अगर आप अदर्स पे जा रहे हो अदर्स पे टिक कर रहे हो तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताओ कि कौन से वो चैप्टर हैं जो अदर्स में आप काउंट कर रहे हो चैप्टर के नाम लिख के मुझे बताओके okay. तो आप अपने कमेंट्स में जरूर लिख दो फिर देखते हैं ऑल राइट सो आई होप आप सभी को आज की क्लास में मज़ा आया है ओके सो सो थैंक यू एंड गुड बाय